हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन की जो मेरी सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन आंसर की, उसी सीरीज में आज मेरा वीडियो है। और ये है हमारा मीडिया से रिलेटेड, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ मीडिया आर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में मीडिया आर्ट के लिए कौन मुख्य रूप से जाना जाता है? नलिनी मलानी, विवान सुंदरम, एनएस हर्षा, सब्बा साची। ठीक है, सब्बा साची है। तो फर्स्ट राइट आंसर है यहाँ पे हमारा नलिनी मलानी। ठीक है, विच इंडियन आर्टिस्ट इज नोन फॉर हिज और हर इनोवेटिव यूज ऑफ वीडियो इंस्टॉलेशन टू एड्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। आजकल वैसे भी जो भी आर्ट के फील्ड में काम हो रहा है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गया है। और अब तो अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, जैसे जैसे धीमे मतलब टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे से मतलब हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आर्ट फील्ड में भी ज्यादातर चीजें जो है वो बहुत बदल गई है। तो अब एक जो नया मतलब जो आर्टिस्ट हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करने को, अपने जो उनके थॉट्स होते हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, उसको अलग अलग तरीके से हमारे सामने लाते हैं। तो इसी में आया है आजकल वीडियो इंस्टॉलेशन। वीडियो इंस्टॉलेशन जो हमारे पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज होते हैं या जो भी हमारी समाज में चल रहा होता है उससे संबंधित किसी घटना को एड्रेस करते हुए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो सुबोध गुप्ता, जितीश कल्लाद, अमर कंवर या अनीस कपूर। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अमर कंवर। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज और हर इंटरैक्टिव डिजिटल आर्ट इंस्टॉलेशन एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि अपने कल्चरल हेरिटेज थीम से रिलेटेड वीडियो इंस्टॉलेशन, डिजिटल आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए कौन फेमस है? सुदर्शन सेठी, रक मीडिया कलेक्टिव, निखिल चोपड़ा है, शिल्पा गुप्ता। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा शिल्पा गुप्ता। विच इंडियन मीडिया आर्टिस्ट इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज और हर एक्सपेरिमेंटल फिल्म एंड वीडियो आर्ट। ठीक है, ये पूछा गया है कि कौन सा कलाकार अपने मतलब फिल्म और वीडियो में एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस है? एम एफ हुसैन, नवजोत अल्ताफ, भारती खेर, भूपेन खक्कर। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा नवजोत अल्ताफ। ठीक है, अभी तो हमारे पास टाइम बहुत कम है तो अभी हम इनको ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं और धीरे धीरे इन पे भी जब और भी डिटेल वीडियो अगर हम इस पे बनाएंगे तो आप लोगों को ये चीजें और क्लियर कर देंगे। उनके साथ में पिक्चर और फोटोग्राफ जो भी उनके काम है वो दिखा के हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन यात्रा एक्सप्लोरिंग द जर्नी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, तो हु क्रिएटेड द मल्टीमीडिया इंस्टॉलेशन यात्रा किसने बनाया था? नलिनी मलानी, विवान सुंदरम, अतुल डोडिया या सुबोध गुप्ता। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा विवान सुंदरम। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्टिस्ट यूजेस फोटोग्राफी एंड डिजिटल मैनिपुलेशन टू चैलेंज जेंडर नॉर्म्स एंड स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, तो फोटोग्राफी का किसने यूज किया था, डिजिटल फोटोग्राफी का? अनीस कपूर, भारती खेर, दयानिता सिंह या सेब्बा साची। भारती खेर। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा भारती खेर। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज और हर लार्ज स्केल प्रोजेक्टेशंस मैपिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लैंडमार्क। ठीक है, लार्ज स्केल यानी बहुत बड़े 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 प्रोजेक्ट हिस्टोरिकल और कल्चरल लैंडमार्क में मतलब ऐसी जगहों पे कौन बनाता है? जितीश कल्लाद, सुदर्शन सेठी, रक्स मीडिया कलेक्टिव या एनएस हर्षा। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जितीश कल्लाद। नेक्स्ट है, विच इंडियन मीडिया आर्टिस्ट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ माइग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन थ्रू हिज और हर मल्टीमीडिया आर्ट वर्क। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के बारे में बात है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा कलाकार है जो ग्लोबलाइजेशन और जो थीम हो माइग्रेशन की थीम है अपने अपने आर्ट वर्क के जरिए
कौन सा ऐसा कलाकार है जो इन थीम को लेके काम करता है? निखिल चोपड़ा, सॉरी सुबोध गुप्ता, नलिनी मलानी, रक्स मीडिया कलेक्टिव। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा निखिल चोपड़ा। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज आर यूज ऑफ साउंड आर्ट ऑफ क्रिएट इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, साउंड आर्ट, ठीक है, साउंड आर्ट के लिए कौन फेमस है? अमर कंवर, निखिल चोपड़ा, सब्बासाची और रक्स मीडिया कलेक्टिव। राइट आंसर है यहाँ पे सब्बासाची। ठीक है, विच इंडियन आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट्स विद वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इंटरेक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशन। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें पता होंगी और बहुत को नहीं भी पता होंगी। तो अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, आप लोग को पता है अभी AI का जमाना आ गया है और अब ज्यादातर चीजें वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड होती जा रही हैं, तो आर्ट फील्ड में भी इसको लेके कलाकारों ने बहुत सारी चीजें मतलब इसको ले लेके आगे आ रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, इस पर बहुत सारे काम हो रहा है इन टेक्नोलॉजी को लेके। तो ये इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट इंटरेक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशन किसने बनाया था? सुदर्शन सेट्ठी, शिल्पा गुप्ता, नलिनी मलानी और भारती खेर। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सुदर्शन सेट्ठी। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द मल्टी मीडिया इंस्टॉलेशन डेथ ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर डेथ ऑफ डिस्टेंस किसने बनाया था इंस्टॉलेशन? जितीश कल्लाट, रग मीडिया कलेक्टिव, विवान सुंदरम, अमर कंवर, रक्स मीडिया कलेक्टिव। नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्टिस्ट यूजेस परफॉर्मेंस आर्ट एंड वीडियो डॉक्यूमेंटेशन टू एड्रेस इशू ऑफ कोलोनियलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियल आइडेंटिटी? विच इंडियन आर्टिस्ट यूजेस परफॉर्मेंस आर्ट, ठीक है, एंड वीडियो डॉक्यूमेंटेशन टू एड्रेस इशू ऑफ कोलोनियलिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म आइडेंटिटी? ठीक है, ठीक है, तो ये पूछा गया है कि कौन सा कलाकार है जो अपने वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा जो जो समाज में उपनिवेशवाद होता है और उसके ऊपर वीडियो इंस्टॉलेशन और डॉक्यूमेंटेशन पे काम करता है? निखिल चोपड़ा, सुबोध गुप्ता, नलिनी मलानी, भारती खेर। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा निखिल चोपड़ा। नेक्स्ट है, हु इज नोन फॉर हिज और हर यूज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी AR टेक्नोलॉजी इन आर्ट इंस्टॉलेशन? AR, ठीक है, सुदर्शन सेट्ठी, शिल्पा गुप्ता, NS हर्षा या सब्बासाची? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा शिल्पा गुप्ता। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का यूज कौन करता है? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा शिल्पा गुप्ता। नेक्स्ट है, विच इंडियन मीडिया आर्टिस्ट एक्सप्लोर द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी इन हिज आर्ट वर्क? ठीक है, कौन सा कलाकार है जो अपने काम में टेक्नोलॉजी, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी तीनों चीजों का समावेश करके कार्य करता है? सुबोध गुप्ता, भारती खेर, जितीश कल्लात, सुदर्शन सेट्ठी। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा जितीश कल्लात। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द मल्टी मीडिया इंस्टॉलेशन गागा वाका मेकिंग स्ट्रेंज एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी? ठीक है, ये गागा वाका नाम का इंस्टॉलेशन किस कलाकार ने बनाया था? समाज की जो जो वर्तमान समय की जो भी समस्याएं हैं उनकी, जो उनके ऊपर
निखिल चोपड़ा, रक्स मीडिया कलेक्टिव, विवान सुंदरम या अमर कंवर? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा निखिल चोपड़ा। नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट्स विद वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी टू क्रिएट इमर्सिव आर्ट एक्सपीरियंस? अभी हमने पहले भी बात करी थी वर्चुअल रियलिटी की, क्योंकि इसको लेके अब बहुत सारे काम हो रहे हैं हमारे आर्ट फील्ड पे। तो पूछा गया है कौन इस पे एक्सपीरियंस कर रहा है, वर्चुअल रियलिटी को लेके कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है? सुबोध गुप्ता। वैसे तो बहुत सारे कलाकार हैं, सुदर्शन सेठी, नलिनी मलानी और शिल्पा गुप्ता। राइट आंसर यहाँ पे सुदर्शन सेठी। हु इज नोन फॉर हिज हर यूज ऑफ फाउंड ऑब्जेक्ट्स एंड डिजिटल मीडिया टू क्रिएट आर्क वाइल एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशूज? ठीक है, डिजिटल मीडिया और ऑब्जेक्ट का यूज करके जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड कौन काम कर रहा है? सब्यसाची, भारती खेर, नलिनी मलानी, सुबोध गुप्ता। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा सब्यसाची। ठीक है, विच इंडियन मीडिया आर्टिस्ट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मेमोरी एंड नोस्टैल्जी थ्रू हिज हर मल्टी मीडिया इंस्टॉलेशन? ठीक है, कौन सा कलाकार है जो अपने मतलब जैसे पुरानी यादों और पुराने चीजों को लेके कार्य कर रहा है, इंस्टॉलेशन बना रहा है? सुदर्शन सेठी, विवान सुंदरम, निखिल चोपड़ा और एक्स मीडिया कलेक्टिव। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा विवान सुंदरम। हु इज नोन फॉर हिज हर यूज ऑफ लाइट एंड शेडो इन मल्टी मीडिया आर्ट इंस्टॉलेशन? ठीक है, मल्टी मीडिया आर्ट इंस्टॉलेशन में लाइट और शेडो का यूज करके कौन सा कलाकार कार्य करता है? सुबोध गुप्ता, सुदर्शन सेठी, नलिनी मलानी और विवान सुंदरम। राइट आंसर है यहाँ पे हमारा नलिनी मलानी। ठीक है, हु क्रिएटेड द मल्टी मीडिया इंस्टॉलेशन विद सॉफ्टवेयर इस एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ लेबर एंड एक्सप्लोटेशन? ठीक है, ये इंस्टॉलेशन किस कलाकार का है? आप लोग को इतने सारे इसमें इंस्टॉलेशन के नाम मिल रहे हैं, इसको आप लेके एक अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। निखिल चोपड़ा, विवान सुंदरम, अमर कंवर या रक्स मीडिया कलेक्टिव? राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अमर कंवर। ठीक है, ये अभी एकदम रीसेंट के जो बहुत सारी चीजें एकदम इसमें रिलेटेड आ रही हैं, मीडिया से रिलेटेड उसके बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे मैंने अलग अलग टॉपिक से देख के बनाए हुए हैं। और इसमें बहुत मतलब ये तो वैसे बहुत बड़ा भी है, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल है इसमें। तो ये अभी सिर्फ एक आप लोगों के लिए आइडिया था कि इसमें से भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अभी के लिए है। और वैसे तो जो पुराने आप लोगों ने पेपर सॉल्व किए होंगे उसमें देखा होगा कितना डिटेल और मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस भी आए थे। बट अब ये है कि टाइम बदल रहा है, क्वेश्चन आंसर कुछ भी थोड़े टफ भी हो सकते हैं, तो हर तरीके की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।